नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मैं अंशुल गोयल आज के अपने इस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बेटा आप सब लोगों को पता है कि हमने अभी इस सीरीज के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम की सीरीज चला रखी है। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ नए कंसेप्ट के साथ इस वीडियो के अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखने वाले हैं और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे जो कि आपके रेलवे के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेंगे। रेलवे के क्वेश्चन को आप बहुत ईजी गोइंग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं, आज की हम सीरीज को करते हैं स्टार्ट। और आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में दे रखा है 1-1/3, 1-1/4 से लेकर 1-1/n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सभी सोल्व कीजिए और आंसर निकालिए। भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मनीषा अवस्थी गुड मॉर्निंग, नाहर सिंह गुड मॉर्निंग, बीके ब्लॉक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। फटाफट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखिएगा, जब बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले एक बात सीखें। सबसे पहले आपको सीखना क्या है, सबसे पहले आपको सीखना है जब भी डेटा आपको एक में से कभी भी कोई फ्रैक्शन घटाया जाए, फ्रैक्शन बोले तो बेटा भिन्न, यदि एक में से यदि कोई भिन्न संख्या आपकी घटाई जाए, कैसे आप इस बात को समझना। जैसे मैंने बोला 1-a/b, मैं एक स्टैंडर्ड डेटा लिख देता हूँ, जब तरीके से करेंगे तब भी वही आएगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ जब इस रास्ते से घूमने के बजाय सीधा ही आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ सेकंड आपका बचेगा, बस वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-a/b का मतलब है आप नीचे वाली संख्या को तो जो करते हो लिख दो और बी में से एक हटा दो, बी में से एक हटा दो। यदि यही फ्रैक्शन डेटा आपको जोड़ना है तो ऐसे से नीचे की संख्या में ऊपर की संख्या को ऐड कर दो। यदि ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा और इजी सोल्व कर पाएंगे, जल्दी सोल्व कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा, अब डेटा वही यूनिट प्लेस में से वो एक यूनिटरी डेटा में से घटाया जा रहा है, एक में से डेटा घटाया जा रहा है। बेटा जब डेटा एक में से घटाया जाएगा तो आप सीधे 3 में से 1 घटाओगे, बोलोगे 2/3 आएगा। यहाँ जब आप घटाएंगे तो ये डेटा निकल के आएगा 3/4, यहाँ डेटा जब आप घटाएंगे तो डेटा निकल के आएगा 4/5, सो ऑन। और ऊपर जब आप डेटा घटाएंगे तो n-1/n। जब हमें ये बेटा ये बात क्लियर हुई तो अब एक बात समझने की कोशिश करना, किस डेटा इस तरह के कंसेप्ट में कुछ न कुछ डेटा तो कटेगा। अच्छा, डेटा क्या कटेगा समझना, कि 3 से 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा, यहाँ आपका 4 से 4 कट रहा है नहीं कट रहा। तो बेटा ये कटिंग मेथड के थ्रू ये सभी डेटा आपके कट रहे हैं। जब ये सभी डेटा आपके कट रहे हैं तो कटने से आपका डेटा बचा कौन, कटने से डेटा आपका बचा 2 और नीचे क्या है 3। तो इस प्रकार आपने लिखा कि ये 2/3 है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या है बेटा, 2/3, 2/3। तो भैया 2/3 आंसर आपका कैसे आया, कि आपको बात समझ में आई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये आपके कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हाँ, तो 2/3 आपका ए बी ऑप्शन में दे रखा है, 2/3 जो आपके कौन से ऑप्शन में है, बी। तो जिन भी बच्चों का बी आंसर है वो एकदम सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। लेखराज मीना गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, फटाफट सभी लोग आंसर दो, बी के ब्लॉग बी ऑप्शन, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार गुड मॉर्निंग, लोकेश कुमार जाट बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन उम्मीद रखता हूँ कि आपको एकदम ओके क्लियर हुआ होगा, चलो, और कुछ आपने सीखने को भी मिला होगा। अब बेटा ये जो क्वेश्चन में जो आपने डेटा जो काटा है ना, ये इस तरह की जो कटिंग है, तो ये टोटल जो कटिंग के जो टाइप्स है ना, या तो डेटा इस तरह से कट होगा, या फिर आपका डेटा इस तरह से कट होगा, या फिर आपका डेटा इस तरह से कट होगा। तो आपको ये कटिंग मेथड समझने होंगे कि भैया जो कटिंग मेथड के क्वेश्चन है ये 3 अप्रोच को फॉलो करते, इन तीनों में से कोई ना कोई एक मेथड तो लगना है। अब कौन सा मेथड लगना है ये क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा। क्या आपको ये बात समझ भाई। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500। अब संख्या मान लीजिए एक्स और वाई, अब इनका गुणनफल यदि 2500 है तो भाई 2500 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 2500 लिखने में, राइट। अब क्या बोला कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। अब कंडीशन दी है पहली संख्या दूसरी संख्या, हम इनमें से एक को एक पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी को दूसरी संख्या मान लेते हैं, राइट। अब बोला कि पहली संख्या दूसरी से 4 गुनी है, यदि ये 1 है तो बेटा दूसरी वाला डेटा कितना होगा, 4। तो आपको दोनों का अनुपात समझ में आया। अब जैसे ही आपको दोनों का अनुपात समझ में आया
तो अनुपात समझने के बाद अब आगे क्वेश्चन के डेटा को समझो, तो बताओ दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या आएगा, तो सबसे पहले आपने इस स्ट्रक्चर को समझा। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद इस क्वेश्चन को और कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं इस बात को। देखिएगा, अब दो संख्याओं का अनुपात यह है तो बेटा इसका एक कॉमन नंबर तो जरूर होगा, तो आपने इस कॉमन नंबर का वैल्यू क्या मान लिया, ए मान लिया। कॉमन नंबर का जो वैल्यू है वो ए मान लिया, तो आपने लिखा ए इंटू फोर ए, ए इंटू फोर ए इंटू इक्वल टू 2500, देन फोर ए स्क्वायर इक्वल टू 2500। अब बेटा जब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो डेफिनेटली ये तो 50 का स्क्वायर है और ये आपका 2 का स्क्वायर है। यहां से आपको ये क्लियरिटी मिल गई कि ए की जो वैल्यू है वो आपकी 25 है। जब भाई ए की वैल्यू आपकी 25 है तो ये डैम श्योर हुआ कि आपको जब संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला तो आप यहाँ ए प्लस फोर ए तो ऐड करोगे, देन 5a आएगा, और 5 जब a आएगा तो a की वैल्यू तो 25 है, और बेटा 25 को 125 से गुणा करो और इस प्रकार आपका आंसर 125 है। तो रेलवे एएलपी में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपने देखा होगा, तो फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो और किसी भी बच्चे को यदि कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन सभी को क्लियर, चलो भाई अब सभी को क्वेश्चन क्लियर है तो अब एक काम करते हैं, अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई, ये क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, इस क्वेश्चन को देखो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक संख्या में 119 से भाग देने पर शेषफल 25 बचता है। एक संख्या में आप 119 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका बच रहा है 25। अब बोला गया यदि इसमें 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपने 119 का भाग दिया और आपका शेषफल बचा 25। अब अगली बार बोला गया है कि उसी संख्या में, अब बेटा जब उसी संख्या के लिए बोला है तो मतलब ये नंबर, अब उसी संख्या में आपसे बोला गया कि भाई किसका भाग देना है, 17 का भाग देना। यदि 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूरा क्वेश्चन। अब आप एक बात समझना, अब नंबर नहीं पता तो नंबर क्या लिखेंगे आप, एक्स। एक स्ट्रक्चर तो बनाएंगे ना इसके लिए। अब भाई इसके लिए स्ट्रक्चर बना लिया, अब इन डेटा को समझते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आप बोलेंगे सर 9119 इंटू एक्स प्लस 25 डिवाइड बाय 17, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब एक बात बताओ, 119 में 17 का जब भाग देंगे तो 7 बार पूरा जाएगा, यहां इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब नंबर को ही आप 0 से गुणा कर रहे हो तो कभी 0 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार हम डायरेक्टली यू कह सकते हैं ना कि ये जो डेटा है वो सीधा सीधा डिपेंडेंट किस पर है, रिमाइंडर पर डिपेंडेंट है। भाई जब शेषफल पर ही डिपेंडेंट है तो मैं अब की बार जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करूंगा तो इस डेटा को अप्रोच नहीं करूंगा। अब जब हम इस डेटा को अप्रोच नहीं करेंगे तो अब डायरेक्टली आप आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप डायरेक्ट इसके शेषफल से सीधा मुलाकात करो। अब भाई जब शेषफल से सीधा मुलाकात करेंगे तो अब आप डायरेक्ट 25 में 17 का भाग दो, एक बार जाएगा प्यार से और आप बोल देगा कि भैया शेषफल कितना है, 8। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 8 है, और 8 आंसर कितने लोगों का आया, मिस्टर कृष, कुलदीप, मनीषा अवस्थी और लोकेश। लोकेश के सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल भाई सी ऑप्शन एकदम राइट है। तो जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है, जिसको अपन 8 कहेंगे, तो जिन जिन बच्चों का 8 आंसर है एकदम राइट है। चलो अब हम और बात बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 3 बचता है। तो अब हम वापस इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 से भाग देने पर 3 बचा। अब बोला इसके वर्ग को
किससे भाग देना है, 6 से। अब भाई ये जो भी नंबर है हमने इसका स्क्वायर किया और इसके स्क्वायर में किसका भाग दिया, 6 से भाग दिया। 6 से भाग दिया तो आपसे पूछा भाई शेषफल क्या होगा। पहले तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना होगा। अब भाई अब क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गए तो देखो पिछली बार जब हमने वर्ग नहीं किया तो क्या किया, डेड शेषफल में भाग दिया। अब की बार इस संख्या का वर्ग कर दिया तो तुम क्या कर दो, तुम सीधा शेषफल का स्क्वायर कर दो। तो सिंपल बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 कर देंगे और 3 के स्क्वायर 9, 9 में 6 का जब भाग देंगे तो हमारा इस केस में जो शेषफल बचकर आएगा वो आज की तारीख में कितना आएगा, 3। और 3 हमारे एकदम सही आंसर है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट है ए, और ए का मतलब है 3 और 3 हमारा एकदम सही है। क्या आपको बेटा क्लियर है, किसी भी प्रकार का यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल बढ़िया एकदम सही आंसर है। तो हाँ मनीषा, कुलदीप, बी के शर्मा, 3 आंसर बिल्कुल सभी का सही है। चलो और हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब भैया इसने पूछा 2 अंकों की संख्या, तो पहले आपको समझना होगा कि भाई ये 2 अंकों की संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों की संख्या, पहली सबसे 2 अंकों की संख्या वो है 10, इससे छोटी 2 अंकों की संख्या पॉसिबल नहीं है, राइट। अब 10 से हम आगे बात करें तो 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12 और 2 अंकों की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो 99। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि डेटा कहां से तो शुरू होगा और कहां जाकर एंड होगा, पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है। उम्मीद रखता हूं कि बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये 2 अंकों की जो आपने संख्या ली है ना, इनका योगफल निकालो। अब भाई इनके योगफल निकालने के भी 2 तरीके, या तो आप सभी संख्याओं को सीधा सीधा जोड़ दो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर एग्जाम का भी ध्यान रखना है, टाइमलाइन का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हमें कोई कोई ट्रिक इसके लिए ढूंढनी पड़ेगी। तो आप इसकी ट्रिक समझिएगा, ट्रिक क्या है, पहले आप इस ट्रिक को समझो। ट्रिक कुछ इस तरह से काम करेगी, ये जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो जब आपको सम करना हो डिफरेंस इक्वल है तो आप बोलोगे इक्वल बोले तो 1 नंबर, तो फर्स्ट नंबर में आप लास्ट नंबर को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, इनटू आप नंबर ऑफ टर्म्स करोगे। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है पदों की संख्या। अब क्वेश्चन ये कि साहब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या कैसे निकालें, तो बहुत ही सिंपल बात है कि जो आपका लास्ट नंबर है उसमें से आप फर्स्ट नंबर को घटा दो और 1 जोड़ दो, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा दो और 1 जोड़ दो, आपका वो नंबर ऑफ टर्म्स में निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है एन निकालने का। अब देखो भाई इसका आपको सम करना है, अब इसका हम सम करने चले, इसका योगफल करने चले, तो फर्स्ट नंबर इसने बोला कि फर्स्ट नंबर क्या है 10, फिर बोला इसने लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है 99, फिर इसने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स जिसको निकालने का तरीका ये है, तो लास्ट नंबर की बात करेंगे भाई, लास्ट नंबर तो 99, फर्स्ट नंबर आपका 10 और प्लस 1, तो ये 89 प्लस 1 आपका डेटा है 90, तो आपने बोला नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 90, डिवाइड बाय आपका क्या चल रहा है 2। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो बेटा 109 मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 45, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब आप देखिएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 2 प्लस 9 इंटू 49, ऐसा करने पर से एक काम तो फ्री हो गया 4500। अब 4500 में केवल आपको 45 इंटू 9 करना है, तो 45 इंटू 9 करने का तरीका क्या है, 50 को 9 से गुणा किया था 450, और 450 450 में से कितना घटा दो भाई, 450 में से वापिस आप 45 घटा दो तो 405 बचा। तो आपने जब इनका सम किया तो आपका आया 4905, और 4905 आपके कौन से ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप
सी ऑप्शन सभी बच्चों को सही है। एक बार जो भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है बेटा पूछ लो, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके बड़े इजी चीजें चल रहे हैं, और इजी क्वेश्चनों में भी तकलीफ है तो दिक्कत। हाँ जी क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। अब बोला गया किससे पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये नंबर किससे पूर्णतः विभाजित होगा। अब आप बात को समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला, अब एक बार इन सबको कैलकुलेट करना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों में से एक कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब भाई कॉमन नंबर ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 71 आपने कॉमन लिया तो 2 की पावर 0, यहां आपकी 2 की पावर 1, यहां आपकी 2 की पावर 2, यहां आपकी 2 की पावर 3, ये चार डेटा निकल के आए। देन 2 की पावर 71 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, बेटा जब इन सबको ऐड किया तो आपका डेटा निकल के आया 15। 8 4 12 2 14 1 15, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास जो डेटा आया वो ये निकल के आया। अब बात ऐसी है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड कर देगा, अब ये पॉइंट वाली बात। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कुछ क्या इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर में 70 लिख दूं और 2 इंटू 15 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अब आप ही बताओ, किसी भी प्रकार का इस चीज में कोई फर्क पड़ सकता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो 2 इंटू 15 का मतलब क्या हुआ, 30। तो 2 की पावर 70 इंटू 30, अब ये 30 को डिवाइड करने वाला ऑप्शन है क्या, बिल्कुल 30 को डिवाइड करने वाला बी ऑप्शन है, और इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, बी इज द राइट आंसर। बेटा जिन जिन लोगों का बी आंसर आ रहा है एकदम सही है, नाहर सिंह बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी के ब्लॉक सी, अच्छा शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया होगा सी, तो मनीष अवस्थी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो आगे चले, क्लियर है मामला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। भाग के प्रश्न में भाजक, अब सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए भाजक क्या, तो भाई भाजक की बात कर दो, भाजक की लोकेशन ये है, ये भाजक की लोकेशन। अब आपको भाजक की लोकेशन समझ में आ गई, भाजक जो है भागफल का, ये भागफल की लोकेशन है, भागफल का कितना गुना है 10 गुना है, जबकि शेष फल का कितना गुना है 5 गुना है। तो भाई एक बात करो, यह जब ये बात बोल रहा कि इसका तो ये 10 गुना है, यदि भागफल यदि ये 1 है तो भाजक भागफल का 10 गुना है, तो बोलो भाई 10 गुना हुआ कि नहीं हुआ, राइट। फिर बोल दिया कि यही भाजक शेष फल का कितना गुना है 5 गुना, यदि इसको शेष फल का 5 गुना होना है तो शेष फल की जगह यहाँ क्या रखना होगा 2, ये हमारा शेष फल होगा। तो हमने सभी पॉइंटों को पहले समझने की कोशिश करी लोकेशन वाइज। अब बोला गया कि यदि शेष फल 46 है तो बताओ भाज्य क्या होगा, 46 है तो बोलो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करो, यदि हम यही स्ट्रक्चर मानकर चलें तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10, और 10 में बेटा 2 जोड़ेंगे, 10 और 2 कितना होगा 12, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ये आपका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ठीक है यदि ऐसा होता तो ऐसा होगा, बट क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन में तो आपको साफ साफ बोला गया है कि आपका तो जो 2 यूनिट आपने बोला है ना, ये 2 यूनिट 46 के बराबर, तो भाई 1 यूनिट किसके बराबर होगी 23 के बराबर। अब यदि ये 23 के बराबर है तो आपने बोला कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 23 रुपए है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भागफल है वो भागफल भाई कितना हुआ, 23 हुआ। और यदि भाजक की बात करोगे तो भाजक 23 गुणा 10 230 हुआ। तो आपको ये पढ़ने का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना समझ में आ गया तो अब फाइनली आप यही तो बोलोगे, तो ये डेटा तो आपका 230 है, ये डेटा आपका 23 है, और ये जो डेटा है वो आपका 46 है। अब आपको ये डेटा निकालना है तो बहुत आपका इजी है क्वेश्चन को कैलकुलेट करना। तो आप बोलेंगे 230 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 46, ये आपका सॉल्यूशन। अब बेटा जब इस सॉल्यूशन की बात करें तो यहां मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है और इसका यूनिट प्लेस 6 है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। इस बात की क्लियरिटी मिल गई। और जब हम इस बात के पीछे पड़ जाते हैं तो भैया आपका आंसर आ गया 5336। आपको इस पूरे डेटा को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट दो ऑप्शनों में 6 होता तो भैया फिर बनी बनाई बात है कि आपको गुणा करना होता। तो सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जितने बच्चों को आ रहा है सबका सही है। बीके कुमार, सी ऑप्शन भाई गलत है, ए आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। फटाफट आंसर बताओ। नार सिंह, क्रिश, दो लोगों का आंसर सही है। भाई सही आंसर बताने की मान रखी है, गलत नहीं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिएगा, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी क्यों होगी। भाई इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि ऑप्शन, इसने ये बोला कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से गुणा करें क्योंकि उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को 3 प्राप्त होगा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको ऐसे केस में आपको सीधा सीधा ऑप्शन पुट करना पड़ेगा। और भाई यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं देख कर बता देता हूं, सी ऑप्शन। अब यदि भाई तुम इसको 7 से गुणा करके देख लो, इसको 7 से गुणा करोगे तो ईच जो डेटा है वो आपका 3333 आएगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था, बट आप इस ऑप्शन के अलावा कोई से भी ऑप्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो हर डेटा आपका 7 नहीं आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, सी इज द राइट आंसर, राइट। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या जवाब दिया, क्या बोलना चाह, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से भाग गुणा करें। एक संख्या ले लेते हैं एक्स, एक्स में बोला कि 7 जोड़ दे जाए, तो एक्स में 7 जोड़ो, योगफल को 5 से गुणा करो, इसका जो भी रिजल्ट आया उसको किससे गुणा करो, 5 से। गुणनफल को किससे भाग दो, 7 से। गुणनफल को किससे भाग दे दिया, सॉरी 9 से। अब भाग देने पर यदि इसका भागफल में से 3 घटाने पर, मतलब इसके रिजल्ट में से 3 घटाने पर जो रिजल्ट आता है वो आपका 12 आता है। यदि क्वेश्चन को पढ़ना आप सीख गए तो इस डेटा को आप इस तरह से लिख पाएंगे। अब भाई जब इस तरह से लिख दिया तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 और 12 प्लस 3 आपका डेटा निकल के आएगा 15। अब 15 वाले केस में 5 दिया 15 और 9 दिया 27, तो एक्स प्लस 7 बराबर आपका डेटा निकल के आया 27। देन एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो बेटा x की वैल्यू निकल के आई 20, तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भाई 20 है, और 20 जो ओरिजिनल नंबर है वो आपके कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार क्यों कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के आंसर को निकाल पाएंगे, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन को पढ़ना, जैसा कि आपने देखा। तो भाई किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को तरीके से पढ़ें, और क्वेश्चन को यदि तरीके से पढ़ लिया गया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, और आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है उस बात को भी आप देखिएगा। 75 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है,
अब भाई इस क्वेश्चन का जवाब देने के दो तरीके, या तो आप एक से लेकर 75 संख्याओं को काउंट कर लो जो कि अभाज्य, या इन डेटाओं को याद करो। तो मैं आपको कुछ डेटा लिखा देता हूं। यदि कभी एक से लेकर 25 तक आपसे अभाज्य संख्या पूछ ले, अभाज्य संख्या पूछने का मतलब है प्राइम नंबर, तो आप सीधा ही बोलना कि इसका आंसर नो आएगा। 25 की जगह आपसे 50 तक पूछ ले तो आपका आंसर 15 आएगा, आपसे 75 तक पूछ ले तो आपका आंसर 21 आएगा, और आपसे यदि 100 तक पूछ ले तो आपका आंसर 25 आएगा। बट इस क्वेश्चन ने आपसे 75 तक से पूछा है, तो 75 तक पूछा है तो आपसे ये लाइन पूछी गई है, और ये लाइन पूछी गई है तो आपका आंसर 21 माना जाएगा, और 21 जो है वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो 21 आंसर भैया सभी का सही है, जिन जिनका भी 21 आया, कृष कुमार 21, बीके 21, और कुलदीप महावर 21, मनीषा अवस्थी डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। तो जिन जिन लोगों का 21 आंसर आया भाई सबका सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखो, मतलब ये टोटल आपके क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये एंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा जो आपका ये पहला पेपर था जहां हमने लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए, तो कुछ क्वेश्चन अपन ने कल कवर किए, कुछ क्वेश्चन आज कवर किए, और कुल मिलाकर ये आपके क्वेश्चन थे। दो तीन क्वेश्चन और थे आपके, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका पेपर में ये था कि एन एक प्राकृत संख्या है, एन एक प्राकृत संख्या है, और आपको डेटा दिया गया एन क्यूब माइनस एन को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो भाई एन एक प्राकृत संख्या, तो मतलब एन का जो वैल्यू है वो कहां से शुरू होगा, एन का वैल्यू एक से शुरू होगा। अब एन का वैल्यू यदि हम एक पुट करते हैं समीकरण के अंदर, तो दिक्कत इस बात की है कि एक माइनस एक आपका आंसर जीरो, जो कि जीरो से हम बात नहीं दे सकते। अब एन की वैल्यू यदि टू पुट करें तो आप यहां बोल सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 2, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस थे आपके 0, 6, 12, 18, 0, 6, 12, 18। हो सकता है कुछ बच्चे 0 पर टिक कर दें, पर ध्यान रखिएगा 0 ऑप्शन में जो आपका है वो एकदम 100% क्या है, गलत। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 6 है। तो बेटा उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन थे आपके नंबर सिस्टम के, जहाँ आपने कुछ नए लॉजिक भी सीखे होंगे, और उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का अपना सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। तो इसी के साथ बेटा हम आज के अपने सेशन को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नए सेशन में एक नई पॉइंट को लेकर सेम टाइम पर 10 से 11 के बीच में। और आज का सेशन कैसा रहा, इस सेशन में आपको और कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे एक बार बताएं। हाँ भाई जल्दी से फटाफट रिप्लाई करके बताओ कैसा रहा आज का सेशन, और कोई चेंजेज। कुलदीप महावर, ओके अच्छा ठीक है, बाकी लोग ठीक है बेटा, चलो ओके डियर, ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे अपन कल सेम टाइम 10 से 11, ओके बाय।